हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इधर टाइम है शाम करीब 6 बजे का और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और इस टाइम पे ना अयान सो रहा था तो मैं बहुत सुकून से अपने लिए चाय बना रही हूँ। अयान थोड़ा सा लेट सोया था ना, तो इस वजह से अभी तक वो सो रहा था, नहीं तो वो 5:30-5 बजे उठ जाता है। तो मैंने कहा चलो जब तक वो सो रहा है मैं अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ। अच्छा इधर मैं ना चाय बनने के लिए रख दूँगी, जब तक चाय अच्छे से उबलेगी तब तक मैं ये कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड करके रख दूँगी। कपड़े मैंने ना दिन में ही ला के, मतलब छत से ला के ऐसे ही रख दिए थे, उनको फ़ोल्ड नहीं किया था। तो अब इनको जल्दी से ना मैं सारे कपड़ों को झाड़ झाड़ के फ़ोल्ड करती जाऊँगी। अभी भी ना चींटियों ने जो है वो पीछा नहीं छोड़ा हुआ है, मतलब चींटियों ने मुझे अच्छे से परेशान करके रखा हुआ है। वो ना ये जो कपड़े वाली डोरी होती है ना उस पर भी हर टाइम चलती रहती, जब कपड़े डालो तो उसमें ना चींटियाँ मिलेंगी मिलेंगी। तो इसलिए ना मैं झाड़ झाड़ के रखती जा रही थी। वैसे जब मैं नीचे लाती हूँ ना कपड़े तो ऊपर झाड़ देती हूँ, फिर भी कुछ चींटियाँ कपड़ों में रह जाती हैं। और वो चींटियाँ क्या करती हैं ना, कपड़ों में छेद कर देती हैं तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से ना बहुत मुझे कपड़े ध्यान से रखने पड़ते हैं कि कहीं एक आध चींटी रह गई ना तो वो कपड़े ख़राब कर देंगी। पता नहीं कैसी चींटियाँ कपड़े काट रही हैं। तो बस इधर सारे कपड़े फोल्ड हो चुके थे, उनको मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिया, जिसके जो कपड़े थे उनकी उनकी जगह पे रख दिया। अयान की अलमारी में जो अयान के कपड़े थे वो रख दिए अपनी अलमारी में अपने, और हस्बैंड की अलमारी में हस्बैंड के। तो बस इधर कपड़ों का काम निपट गया था और इधर मेरी चाय जो है वो बहुत अच्छे से उबल गई थी, क्योंकि चाय जितनी उबलती है ना उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इधर अब मैं अपने लिए चाय निकाल लूँगी और जब तक अयान सो रहा है तब तक मैं अपनी चाय जो है बहुत इत्मीनान से टाइम लेते हुए पीऊँगी, क्योंकि जितने सुकून से पियो ना चाय, चाय का मज़ा उतना ही दुगना हो जाता है। तो बस इधर मैं चाय को लेके रूम में जाऊँगी और अभी आपको दिखाती हूँ कि अयान देखिए कैसे सो रहा है। बस मैं चाय ख़त्म करूँगी, उसके थोड़ी देर बाद अयान को फिर मैं उठाऊँगी, क्योंकि फिर ना अयान को मुझे पढ़ाना भी होता है, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे ना अयान का एग्ज़ाम भी है। तो बस उसके बाद फिर अयान उठ चुका था, फिर इधर टाइम है करीब 7 बजे का। तो मैं इधर बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी मैं सिर्फ अयान के लिए सिंपल सी बना रही हूँ, जो भुजिया बनती है बिना मिर्ची मसाले की, बस नमक और राई का तड़का दूंगी। तो इधर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। और हुआ क्या कि मैंने पूरा खाना अच्छा हुआ कि नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ सब्ज़ी ही बनाई थी। और अयान का मन हुआ कि उसको डोसा खाना है, वो डोसे की ज़िद करने लगा। तो हस्बैंड आए, उसके बाद मैंने बोला ये डोसे की ज़िद कर रहा है। तो बस हम लोग फिर बाहर चले गए, अयान के लिए डोसा लिया और सांभर बड़ा लिया। तो अयान ने तो ये खा लिया था, बाकी जो सब्ज़ी बनाई थी मैंने वो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही रखी थी। तो बस इधर फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो इधर सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं इधर अरबी काट रही हूँ, क्योंकि आज टिफ़िन में मैं हस्बैंड के लिए अरबी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और इधर ये देखिए मैं अयान से बोल रही थी कि फ्रिज से ना मुझे मिर्ची निकाल के दे दो, अयान सो के उठ के आया था तो वो मिर्ची तो नहीं दे रहा था पर फ्रिज में पता नहीं क्या ही ढूंढ रहा था। उसकी आदत है, सो के उठ के आएगा सबसे पहले फ्रिज खोल के देखता है, उसको पता नहीं फ्रिज में क्या मिल जाता है जो फ्रिज खोल के देखता है। तो मिर्ची तो नहीं दे रहा था, कुछ ना कुछ जैसे ढूंढ रहा था। मैं उससे बोल रही थी कि ज़्यादा देर खोल के मत खड़े रहो, पर वो नहीं सुन रहा था। तो बस इधर मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी और साथ में अयान को आज मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ पोहा। और ये देखिए मैं सब्ज़ी बना रही हूँ तो अयान मुझसे कह रहा ना कि उसको भी बैठना है, उसको भी सब्ज़ी मेरे साथ बनानी है, मेरी हेल्प करनी है। तो बस मैंने उसको काउंटर टॉप पर बैठा दिया, वो मुझसे बातें करता जा रहा है और साथ के साथ मैं अपनी सब्ज़ी भी बनाती जा रही हूँ। तो बस इधर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी और पता है ऐसे थोड़ा थोड़ा काम मैं उससे अब करवाती रहती हूँ ना, तो उसको भी अच्छा लगता है और बच्चा ना ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता भी रहता है, तो सही रहता है। बच्चे को किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते रहना चाहिए। तो जैसे मैं उससे कभी कहती हूँ पानी लेके आ जाओ, पापा को पानी दे दो, पापा को खाना दे दो, या फ्रिज से कुछ निकाल दो, तो ये सब चीज़ें ना अयान अपना करता रहता है। जैसे अपने कपड़े वो अपनी अलमारी में रख देता है या गंदे कपड़े होते हैं तो मैं उससे कहती हूँ वॉशरूम में डालाओ, तो ये सारे काम ना अब अयान इजीली कर देता है। मैं ले लूँगा।
एंड ये क्या है, तो बस अब इधर मैं तैयारी करूंगी अयान के लिए टिफिन की, और टिफिन में मैं उसको देने वाली हूँ आलू का पराठा, साथ में पोहा और कैरेट। तो बस इधर मैं पोहे की तैयारी करूंगी, साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बनने रख दी है, और ये सब हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे ना अयान की जो स्कूल ड्रेस है उसमें प्रेस भी करके रखनी है, और आज से अयान के एग्जाम्स स्टार्ट हैं, तो अयान की आज से टाइमिंग भी थोड़ी चेंज हो गई है। जब तक उसके एग्जाम्स हैं तो उसको आज अयान ना जल्दी घर आ जाएगा, उसकी 11 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे अभी ना जिम करने का सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम मिलेगा, तो जल्दी जल्दी इधर मैं सारे काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर साथ में मुझे भी जिम निकलना है। तो बस इधर अयान की स्कूल जो ड्रेस है वो प्रेस हो गई, अयान का मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया, अयान रेडी हो चुका था, और टिफ़िन पैक करने के बाद अब जिम के लिए मैं रेडी हो जाऊंगी। और इस वाले वीडियो को अब मैं करूंगी यहीं पे एंड, मैं मिलूंगी आपसे एक अगले वीडियो में। बाय।